मैंने अभी अभी एक नया चैनल खोला और तुम उसके सिर्फ 10 दिन के एनालिटिक्स यहाँ पर देख सकते हो। मोर देन 5,000 व्यूज इन जस्ट 10 डेज। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जो मैं एडवाइस देता हूँ चैनल पर, क्या वो रियली वर्क करती है? और मेरा चैनल तो यूट्यूब से ग्रोथ का है, तो इस पे तो ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स आएंगे। बट ऐसा नहीं है, तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना है, तुम्हें एल्गोरिदम को फॉलो करना है और तुम्हें अपनी ऑडियंस को फॉलो करना होता है अगर तुम्हें यूट्यूब पर ग्रो होना है। सो व्हाट इज अ कंटेंट क्रिएटर्स, आज के वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करने वाले हैं कि मैंने आप सबका चैलेंज एक्सेप्ट किया, एक नया चैनल खोला और विद इन 10 डेज वी गॉट मोर देन 5,000 व्यूज एंड मोर देन 30 सब्सक्राइबर्स। सो हाउ इट वेंट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप इसलिए एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप भी ये पूरा ब्लूप्रिंट लेकर यही काम शुरू से कर सको और इससे भी अच्छा रिजल्ट ला सको। क्योंकि मैंने तो बस ये सोच के बनाया था कि बस मेरे को 10 दिन के लिए काम करना है, आप लोग चाहो तो 1 साल या फुल टाइम भी उस पर काम कर सकते हो। सो नंबर वन, सेलेक्टिंग योर नीश। एक्चुअली आई हेट द वर्ड नीश। सेलेक्टिंग योर टॉपिक, तो हमको अपने चैनल का पहले एक टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। तो अभी मेरा थोड़ा सा आईपीएल में इंटरेस्ट था, मैं काफी टाइम से आईपीएल के मैचेस देख रहा था और दूसरा भी आईपीएल का ट्रेंड भी था। तो अब 10 दिन की बात थी, 10 दिन में थोड़े अच्छे व्यूज लाने थे तो मैंने आईपीएल को चुना, नहीं तो आप किसी भी नीच पर जा सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे आईपीएल का नीच चुना, अब आईपीएल भी बहुत ब्रॉड नीच हो जाता है बट हमको थोड़ा स्पेसिफिक जाना होगा। स्पेसिफिक जाने के लिए मैंने आरसीबी को चुना क्योंकि वो मेरी फेवरेट टीम है और उसके बाद भी आरसीबी भी काफी ब्रॉड नीच है, उसको भी स्पेसिफाई किया और सिर्फ स्टेटस वीडियोस बनाए। अब स्टेटस वीडियोस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये काफी शॉर्ट होते हैं और दूसरा जो डिसएडवांटेज है इतनी अर्निंग नहीं देते। और जो इसके एडवांटेजेस हैं कि ये यूट्यूब सर्च में रैंक हो सकते हैं, और दूसरी एडवांटेज इस टाइम पे पीपल इसे सर्च करेंगे, और तीसरी एडवांटेज की ये वायरल भी हो सकते हैं क्योंकि इसमें वॉच टाइम भी अच्छा आता है और सीटीआर भी। सो अब मैं अपने स्टेप टू की तरफ आया। स्टेप टू और भी ज्यादा सिंपल था, बस आई हैव टू क्रिएट वीडियोस। वीडियोस कैसे, 1 मिनट से कम की लेंथ की, क्योंकि कोई भी स्टेटस में यूज करेगा तो आई थिंक इससे कम ही लेंथ होनी चाहिए। बट यहाँ पर एक और चीज आ जाती है कि 1 मिनट से कम की लेंथ के बनाऊंगा और 1 दिन में अगर एक भी डालूं तो बहुत कम चांस है वायरल होने का। सो आई डिड द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग बहुत सिंपल है, मैंने क्या किया, 1 दिन में 3 वीडियोस बनाए और किसी किसी दिन में 5 बना दिए। लेकिन मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी इस चैनल पर, मैंने बस किसी दिन डाल दिए जब मन करा और जब मन करा नहीं डाले। सो इट वॉज सिंपल। बट इसके बाद का जो आफ्टर मैथ है वो थोड़ा एनालिटिक्स से। तो अब हमारे 2 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ। इससे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ। मेरा रूल नंबर 1 था इस चैनल को बनाने का कि मैं इसे शेयर नहीं करूंगा। रूल नंबर 2 था मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैंने चैनल बनाया है ताकि वो लोग भी इस चैनल पर आके व्यूज ना दे। और रूल नंबर 3, हम इस चैनल को एकदम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे। सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था मेरा, नेक्स्ट स्टेप था वीडियोस को डालना। ऑब्वियसली मैंने 1 दिन में 3 वीडियोस डाले, कभी कितने भी डाले, बट आई स्टार्टेड विद टाइटल। टाइटल मैंने vidIQ, माय फेवरेट टूल vidIQ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट। सो मैंने vidIQ का यूज किया और कॉम्पिटिशन स्कोर, कीवर्ड रिसर्च की थोड़ी सी नीश पर, और बस वीडियोस जैसे बना लिए मैंने अपलोड किया। सबसे पहले मैंने टैग्स डाल दिए और ऑब्वियसली वही टैग्स डाले जो लोग सर्च करेंगे, जैसे जो भी नेक्स्ट टीम से मैच है या जिस भी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया उस हिसाब से। और फिर डिस्क्रिप्शन मैंने हर वीडियो को ऑलमोस्ट सेम रखा, एक नोट पैड पे सेव कर लिया था और बस उसी से कॉपी पेस्ट करता था। टाइटल में ऑब्वियसली जो भी अपकमिंग मैचेस थे उनके बारे में कुछ लिख देता था। सो अब मेरा वीडियो डालने का काम ऑलमोस्ट हो चुका था, थंबनेल, प्लेलिस्ट, एंड स्क्रीन, ये सब डाल दिया। अब आता है स्टेप नंबर 4, सीइंग योर एनालिटिक्स। तो अब मैं बढ़ा अपने एनालिटिक्स पर और विद इन द फर्स्ट डे आई गेन मोर देन 1,000 व्यूज। अब देखो ये काफी कम चांस होते हैं कि पहले दिन में ही मेरे 1,000 से ज्यादा व्यूज आ जाएं। बट ड्यू टू द कीवर्ड रिसर्च एंड द रिसर्च आई मेड ऑन दिस चैनल बिफोर स्टार्टिंग इट, इट प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग लेटर ऑन। सो आप भी जब भी कोई चैनल स्टार्ट करो उसके पहले उसकी रिसर्च कर लो। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एनालिटिक्स में आके चेकआउट किया कि किस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आए, कौन से ट्रैफिक सोर्स पर आए और कैसे आए। तो अब चलते हैं एनालिटिक्स पर। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हमारा। हमने 30 सब्सक्राइबर्स गेन करे हैं, 5,000 से ज्यादा व्यूज, अराउंड 80 वॉचर्स, तो ये सब तो ठीक है। अब बढ़ते हैं ये कैसे हुआ। डे 1, 1,000 प्लस व्यूज।
फिर थोड़ा डाउनफॉल, फिर वीडियोज आए, फिर व्यूज, तो वीडियो आने से व्यूज तो ऑब्वियसली बढ़ रहे थे। देन नेक्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज रियली सिंपल, मैंने जिस पहली वीडियो पर 800 के आसपास व्यूज आए थे एक दिन में, उस पर जाके चेकआउट किया ऐसा क्यों हुआ। तो उस वीडियो पर पहले 6 घंटे में सिर्फ 22 व्यूज आए, और उसके 1 घंटे के अंदर अंदर नेक्स्ट 1 घंटे में 700 व्यूज आ गए। ये कैसे? मैंने देखा उसमें YouTube शॉर्ट्स का ट्रैफिक आ रहा था, तो मैंने उसी बेसिस पे बाकी वीडियोस भी बनाए, और मैंने शॉर्ट्स भी ट्राई किए। कैसे? मैंने जो भी वीडियो बनाता था उसको शॉर्ट फॉर्म में भी डालता था और लॉन्ग फॉर्म में भी डालता था। अब ये आपके लिए एडवाइस नहीं है, क्योंकि आप अगर कोई भी स्पेसिफिक नीश चुनोगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो आपको एकदम स्टार्टिंग में ग्रोथ नहीं चाहिए इतनी ज्यादा। आप अपने सिंगल लॉन्ग फॉर्मेटेड वीडियोस पर ही ज्यादा फोकस रखो। उसके बाद करना क्या था, बस सिंपली वही कीवर्ड्स यूज करे और वैसे ही सेम कंटेंट बनाया, और धीरे धीरे मेरी हर वीडियो पे यूट्यूब सर्च का ट्रैफिक बहुत ज्यादा आने लगा। अब बढ़ते हैं हमारी रीच की तरफ। रीच में आप देख सकते हो टॉप पे है यूट्यूब सर्च विद ओवर 80%, और जो सेकंड पर है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स। ऑब्वियसली शॉर्ट्स से व्यूज आने ही थे जब हर वीडियो उस फॉर्मेट में जाएगी। अब मेरे इंप्रेशन गए 17,000 और क्लिक थ्रू रेट था सबसे बड़ा की फैक्टर 25%। ये काफी ज्यादा होता है क्लिक थ्रू रेट, और काफी मुश्किल भी होता है लाना, बट इस नीश में थोड़ा इजी हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप सर्च टर्म्स, सजेशन काफी कम था, एक्सटर्नल तो वैसे ही कम था क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया था। और अब बढ़ते हैं ऑडियंस की तरफ। ऑडियंस टोटली न्यू आनी थी, और कुछ सब्सक्राइब भी करेंगे ऑब्वियसली अगर आएंगे तो। इसके बाद मैंने क्या किया, जब भी ऐसे ऐसे कंटेंट आ रहा था, मैंने एक दिन में अराउंड 7 वीडियोस डाल दिए, और उनमें से भी किसी किसी में 300, किसी किसी में 400 व्यूज आ गए। बट आप खुद सोच के देखो, एक चैनल पे जिसपे 30 सब्सक्राइबर हैं, 10 दिन में वो आता है और 5,000 से ज्यादा व्यूज ले जाता है विदाउट एनी प्रमोशन। तो आप भी ऐसा कर सकते हो विद फॉलोइंग दिस ब्लू प्रिंट दैट आई एम गोना गिव। नंबर 1, सेलेक्ट योर टारगेटेड नीश। नंबर 2, आपको उसमें थोड़ा सा रिसर्च करना है पहले कि उधर लोग क्या सर्च करते हैं, लोगों को क्या ज्यादा पसंद है और क्या नहीं। नंबर 3, आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने। नंबर 4, अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है अपने वीडियोस को, थंबनेल, टैग्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल्दो टैग्स डोंट मैटर नाउ, लेकिन करने में कोई बुराई नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, अपनी वीडियोस को एनालाइज करना है, जिस वीडियो पर ज्यादा व्यूज आए वैसी सेम वीडियोस और बनानी है, और जैसे जैसे आपका चैनल आगे बढ़ेगा आपकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, आप भी काफी अच्छे व्यूज, सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम और मोनेटाइज होकर पैसे भी कमा सकते। तो जब ये सब हो गया तो अब इस चैनल का क्या, ऑब्वियसली अब इस पे काम नहीं होगा। ये बस एक हिट एंड ट्रायल बेस्ड एक्सपेरिमेंट था, जिसमें एक चैलेंज लिया 10 दिन के अंदर अंदर इस चैनल को ग्रो करने का। थोड़ा बहुत ही हो पाया, सब्सक्राइबर्स इतने नहीं बढ़े इस नीश में, बट अगर किसी और नीश में जाते जो एवरग्रीन है तो शायद मैं उसे कंटिन्यू करने का सोच भी लेता। बट यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है, आप इसी ब्लूप्रिंट पर चलो। जब तक आप इस पर चलोगे आपका एक पूरा प्रोसीजर है आपको क्या क्या कब कब करना है, और ट्राई करो आप एक दिन में 1 घंटे के अंदर अंदर एक वीडियो निकाल पाओ, सो दैट यू डोंट सफर विद योर टाइम। तो अगर आपको अब मोनेटाइज होना है विद इन 30 डेज, और 30 डेज बहुत कम होते हैं मोनेटाइज होने के लिए, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। एक चीज और, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे ग्रोथ होने में, और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और एक चीज बोलूंगा यहाँ पर कि आप इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने यूट्यूब का जो अर्निंग पोटेंशियल है अलॉन्ग विद 1,000 व्यूज वो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप भी जाओ इस वीडियो पर, चेकआउट करो कि आपकी कितनी अर्निंग हो सकती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, फिलहाल तो आप यहीं कहीं जा रहे हो तो यहीं मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।